पोटैटो फ्राई करना आज हम आपको बताएंगे, जिससे कि कई बार पोटैटो लोग फ्राई करते चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो हम जैसे फ्राई करना आपको बताएंगे उसमें क्या है वो चिपकेगा नहीं। पोटैटो को इस साइज में आपको काटना है या आपके कोई भी पसंद के साइज में। फिर इसको ठंडे पानी में और थोड़ा सा नमक के साथ रेफ्रिजरेट करना है फॉर अबाउट 30 मिनट्स मिनिमम। उसके बाद अगर आप चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा बाद भी बना सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स इसको रेफ्रिजरेट करना है। जब तलना हो तब इसको आपको ड्रेन आउट करना है सारे पानी, और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर उसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये जो ड्रेन आउट आलू है, आलू के जो टुकड़े हैं, ये जो ड्रेन आउट आलू के टुकड़े हैं, इसमें हमने मिलाया रेड चिली पाउडर, हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट हमने पहले ही मिला के पानी में आलू को डुबो के रखा था, और थोड़ा सा बहुत ही एक पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। अब ये सबको मिक्स करना है, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और इसको डीप फ्राई करना है इन वाइट ऑयल। अब ये यहाँ हमारा जो है ऑयल गर्म हो गया है, वाइट ऑयल, अब ये सारे इसमें आपको डालना है। हाई फ्लेम में इसको डीप फ्राई करना है। कोई भी आलू के जो पीसेस है देखिए एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, वो इसलिए नहीं जुड़ रहे क्योंकि हम लोगों ने इसको रेफ्रिजरेट किया था ठंडे पानी और थोड़े से सॉल्ट के साथ। अब इसको आप अपने मन अनुसार, किसी को थोड़ा हल्का फ्राई पसंद है, किसी को थोड़ा डीप फ्राई, किसी को थोड़ा ब्राउनिश, तो जैसे आप लोग को पसंद है उस हिसाब से आप लोग इसको तल लीजिए। जब आपको लगे कि अब ये होने को है 2 मिनट पहले, आप 2-3 इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, ये भी अपने स्वाद अनुसार। कई लोगों को तले हुए आलू के साथ तला हुआ हरा मिर्चा भी अच्छा लगता है, तो वो आप डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि बस अब 2-3 मिनट बाकी है, उस टाइम आप उसको डाल सकते हैं। अब इसे हमने एक सर्विंग बोर्ड में डाल दिया है, और इसकी खासियत यही है कि ये जितने भी आलू है आप देखिए सब अलग अलग है, कोई किसी से जुड़े हुए नहीं है, ये इसकी खासियत है।